हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव। तो सीबीएसई के द्वारा एक और नोटिस निकाला गया है जिसमें लिखा गया है, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स हैविंग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट कंपोनेंट्स फॉर क्लास टेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ 2020 एग्जामिनेशंस। क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के लिए पासिंग क्रिटेरिया जो है वो हर सब्जेक्ट्स के लिए निकाला गया है, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, प्रोजेक्ट हो या फिर इंटरनल असेसमेंट हो। तो क्या कुछ आगे और लिखा गया है, चलिए हम लोग आगे जानते हैं और क्या है पासिंग क्रिटेरिया हर सब्जेक्ट्स के लिए। तो पहले यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ के लिए हम लोग देख लेते हैं। इस पर लिखा गया है, एज पर पास क्रिटेरिया फॉर क्लास ट्वेल्व फॉर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स हैव टू ऑब्टेन एट लीस्ट 33% मार्क्स इन थ्योरी एंड 33 मार्क्स इन प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इन एडिशन टू 33 मार्क्स इन एग्रीगेट इन ईच सब्जेक्ट। यानी कि क्लास ट्वेल्थ के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि उन्हें थ्योरी में अलग से 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और प्रैक्टिकल के लिए अलग से उन्हें 33 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और ओवरऑल उनका 33% भी होने चाहिए। आगे सब्जेक्ट वाइज भी दिया गया है कितने कितने मार्क्स आप लोग को लाने हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्लास टेंथ के लिए यहाँ पर दिया गया है, एज पर पास क्रिटेरिया फॉर क्लास टेन स्टूडेंट्स हैव टू ऑब्टेन ओवरऑल 33% मार्क्स इन ई सब्जेक्ट बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट टेकन टुगेदर इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन। तो क्लास टेंथ स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें ओवरऑल 33% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, यानी प्रैक्टिकल और एक्सटर्नल दोनों मिला के ओनली 33% मार्क्स चाहिए उन्हें पास होने के लिए। तो आगे हम लोग सब्जेक्ट वाइज देखते हैं और कितने कितने मार्क्स कितने कौन से सब्जेक्ट्स में हमें लाने हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पहले क्लास ट्वेल्थ के लिए यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो है वो दिया गया है कि कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हमें लाने हैं। तो यहाँ पे पहले लैंग्वेज सब्जेक्ट है, इंग्लिश इलेक्टिव और कोर, जिसमें हम लोग यहाँ पे दिया गया है कि मैक्सिमम जो होगा थ्योरी 80 मार्क्स का होगा, और थ्योरी में उन्हें 26 मार्क्स चाहिए। ठीक है, 80 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम होता है इंग्लिश इलेक्टिव या फिर कोर का या फिर हिंदी इलेक्टिव कोर का, तो 80 में उन्हें 26 मार्क्स चाहिए थ्योरी में पास होने के लिए। 3 घंटे का यहाँ पर समय मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पे दिया गया इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स में उन्हें जो है वो 6 मार्क्स लाने हैं। तो यहाँ पे ये पासिंग क्रिटेरिया है, और यहाँ पे टोटल 100 में 33 हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनका पासिंग क्रिटेरिया इंग्लिश और हिंदी के लिए, या फिर इंग्लिश इलेक्टिव या फिर इंग्लिश कोर दोनों के लिए। आगे हम लोग इसके मेन सब्जेक्ट्स को हम लोग आगे देखते हैं। इसके जो मेन सब्जेक्ट्स है जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, तो इनका क्या पासिंग क्रिटेरिया है। तो यहाँ पे देखिए, मैथमेटिक्स के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये भी दिया गया है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होंगे वो अपॉइंटेड होंगे कि नहीं बोर्ड द्वारा, तो इसमें मैथमेटिक्स में नो दिया गया है, यानी कि मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंटेड नहीं होगा मैथमेटिक्स के लिए। यहाँ पे नो दिया गया है, आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे नो दिया गया है मैथमेटिक्स के लिए। और इसमें थ्योरी जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और इसमें भी पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो 26 मार्क्स चाहिए, और यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट जो होगा 20 मार्क्स का होगा, और इसमें भी 6 नंबर हमें चाहिए इंटरनल असेसमेंट में भी, और यहाँ पे ओवरऑल हमें फिर 33 मार्क्स लाने हैं। इसके बाद आगे दिया गया फिजिक्स का, इसमें जो है इसमें लिखा गया है कि एक्सटर्नल एग्जामिनर जो होगा इसमें अपॉइंटेड होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में, तीनों के लिए। ठीक है, तीनों में अपॉइंटेड होंगे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा, और ये 70 मार्क्स का थ्योरी में हम लोग का क्वेश्चन जो होगा वो थ्योरी 70 मार्क्स का रहेगा, और इसमें हमें 23 मार्क्स लाने ही है क्यों तभी हम इसमें पास हो पाएंगे। और इसमें फिर आगे यहाँ पे दिया गया है कि प्रैक्टिकल जो होगा वो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा, और उसमें हमें 9 मार्क्स चाहिए। तो ये यहाँ पे पासिंग क्रिटेरिया दिया गया है, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे पासिंग क्रिटेरिया जो है वो इस तरह से दिया गया है, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ से मैं आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स का दिखा दे रहा हूँ, इसका मैं डाउनलोडिंग लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्लास टेंथ का देखें तो टेंथ का यहाँ पे दिया गया है सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिंदी का यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम 80 मार्क्स का होगा थ्योरी, जिसमें से हम लोग को 3 घंटा का समय मिलेगा, और इंटरनल असेसमेंट जो होगा 20 मार्क्स का होगा, और ओवरऑल हमें ओनली 33 नंबर चाहिए। आप किसी भी तरह से मिला के आपको जो है 33 नंबर लाने हैं। इसके बाद बाकी सब्जेक्ट का भी दिया गया है, इंग्लिश,
मैथ साइंस, आप सभी सब्जेक्ट्स का आप देख सकते हैं, सबका जो होगा इधर आपका सेम होगा, ठीक है। आप जैसे अगर हिंदी का जैसा है बिल्कुल मैथमेटिक्स का वैसा ही है, साइंस का, सोशल साइंस का, सबका सेम है 10th स्टूडेंट्स के लिए। तो 10th स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उन्हें ओवरऑल 33 चाहिए, किसी भी तरह से 33 नंबर ले आए वे पासिंग हो जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचा सके। थैंक यू।